Hello everyone, welcome to Odisha Traders a chart master group. So Wednesday के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो कॉल्स आपको दिया जाता है श्योर शॉट कॉल आपको मिल जाता है. मतलब लगभग हमारा जो कॉल्स का एक्यूरेसी होता है वो आप चेक कर सकते हैं, लगभग 90% जैसा है. फिर भी कुछ कॉल्स हम आपको दे नहीं पाते क्योंकि हम भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस टाइम में बिजी हो जाते हैं, तो कभी कभी आपको ट्रेड भी आपको नहीं मिल पाते अच्छा सा ट्रेड. तो इसके वजह से मैं एक 4-5 मिनट का जो वीडियो बनाता हूँ, इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, ताकि ये डेफिनेटली आपका कोई भी कंडीशन में आपके लिए काम आएगा, ज़रूर काम आएगा. तो आज भी ऐसा ही हुआ था. तो आज जो हम डिस्कशन किए थे कि अगर मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है, इसके बाद हमें दो लेवल्स देखने को मिलेगा. एक है हमारा 17,870 का लेवल, और दूसरा जो मैं आपको बताया था ये वाला लेवल मैक्सिमम. ठीक है, तो ये जो 100 पॉइंट्स का मूव आपको बहुत ही इजीली आपको अचीव हो गया. इसके बाद यहाँ पे मार्केट में जो छोटा सा मूव हुआ, इसके बदौलत मैं आपको एक कॉल दिया था 10-15 पॉइंट्स का, आपको वहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ होगा. ठीक है, मतलब लगभग मार्केट 26 से 42 तक गया था, और मैं जो आपको सी कल एक छोटा सा दिया था, तो इसमें भी आपका लगभग 20 पॉइंट्स का, 15-20 पॉइंट्स इसी रेंज में आपको प्रॉफिट हुआ है. तो 1000 लगभग प्रॉफिट हुआ होगा आपका पर लॉट. ठीक है, इसके बाद मार्केट क्या क्या देखिए, यहाँ से टॉप लेवल से फिर से आपको सेलिंग देखने को मिला, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं पाया. ये जो लेवल आप देख रहे हैं इसी लेवल से मार्केट नीचे आ गया. ठीक है, तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए कल के लिए पॉसिबिलिटी क्या बन रहा है. तो अगर आप देखेंगे US जो 30 है या डाउजन जो भी देख रहे हैं आप, लगभग 400 पॉइंट्स डाउन चल रहा है. तो इसके बदौलत मार्केट यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है लगभग वहाँ पे अभी 100 पॉइंट्स नीचे आ गया SGX निफ्टी. ठीक है, तो 700 के आसपास अभी है, 710-720 इसी के आसपास मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है. ठीक है, तो कल के लिए हमारा ट्रेड सेटअप क्या रहेगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ. तो कल के लिए अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, सपोज ये वाला लेवल पे ओपन हो जाता है, ठीक है इसी लेवल पे ओपन होता है, तो ये जो लेवल अभी आपको दिख रहा है ये कम्प्लीट एक बाइंग जोन है. ठीक है, तो इस लेवल से अगर आपको बुलिश कैंडल मिलता है तो आप यहाँ पे आँख बंद करके एंट्री कर सकते हैं फॉर ए अपसाइड मूवमेंट. ठीक है, तो मैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर मुझे मार्केट 17,720 के आसपास मिल जाता है, आई विल गो फॉर ए सी साइड विथ ए स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस में लूँगा, और यहाँ पे सी साइड के लिए ही मैं देखूँगा पहले. ठीक है, तो ये वाला हमारा पहला ट्रेड सेटअप रहेगा. तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं ये वाला जो जोन है मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहा है. ठीक है, ये जोन है, अगर ये जोन को मार्केट ब्रेक कर लेता है 17,660 का नीचे अगर आ जाता है तब भी जाके हम सेल के लिए सोच सकते हैं, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर अगर मार्केट है तो डेफिनेटली विल गो फॉर द सी साइड, और सी साइड में भी आपको अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है. सेम केस अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो कंडीशन बनाया है मैं ऑलरेडी इसको एनालिसिस करके रखा हूँ. तो बैंक निफ्टी के लिए जो अच्छा खासा अभी सपोर्ट जोन बन रहा है वो रहेगा 41,200 का लेवल. ठीक है, तो कल मार्केट में हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो सकता है, मार्केट 100-200 पॉइंट नीचे आ सकता है मार्केट. अगर ये लेवल से आपको बुलिश इन्फॉर्मेशन मिलता है और मार्केट यहाँ पे बुलिश मूवमेंट दिखाता है तो आप इसी लेवल में आप सी साइड के लिए सोच सकते हैं. तो आपका पहला टारगेट वही सेम रहेगा 41,400 का, इसके बाद आप 41,650 का सोच सकते हैं. ठीक है, अगर इसको ब्रेक करेगा तब भी जाके हमें ये वाला लेवल देखने को मिलेगा जो कि हमारा बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है. इस लेवल से मार्केट 2 बार रिजेक्ट हो चुका है. ठीक है, तो हम एटलीस्ट टारगेट यहाँ पे रखेंगे, अगर अपसाइड मूवमेंट दिख जाता है हम लोगों को तो हमारा मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे कल के लिए रहेगा 41,670 का. ठीक है, तो आपको पी के लिए कब जाना है, अगर मार्केट ये जो लेवल है आप देख रहे हैं 41,190 का लेवल, इसको नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगा तो हमारा जो नीचे का लेवल जो रहेगा 40,800, इसके बाद यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को भी मिल सकता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो लेवल है 41,190 का लेवल ये टूटना चाहिए, इसका नीचे मार्केट में अच्छा खासा एक बियरिश कैंडल फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा फिर से लिख लीजिए, 41,190 का लेवल. ठीक है, ये था बैंक निफ्टी. एंड सेम केस अगेन मैं बता देता हूँ निफ्टी का केसेस में क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, 17,665 ये जो जोन है,
ये जोन का नीचे अगर मार्केट आ जाता है हमें बेयरिश के लिए सोचना है। अगर इस जोन के ऊपर मार्केट रहेगा हम यहाँ पे बुलिश रहेंगे और सी साइड के लिए सोच सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।